बापू बापू मुझे खिलौना चाहिए, ले लो बेटा ले लो, खिलौना चाहिए, ना 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 ना, मुझे साइकिल चाहिए, ले लो बेटा ले लो, साइकिल चाहिए, ना 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 ना, मुझे भी फोन चाहिए, ले लो बेटा ले लो, फोन चाहिए, ना 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 ना, मुझे भी किताब चाहिए, ले लो बेटा ले लो, किताब चाहिए, ना 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 ना, मुझे किताब चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। अरे बिटिया तुम कहाँ करोगी किताब का भला है? पढ़ेंगे लिखेंगे और क्या करेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे, गांव का नाम रोशन करेंगे, आने वाले टाइम में देश का नाम रोशन करेंगे। अच्छा बापू, तो कहे का मतलब ये है बापू, ऐसा है हमको 100 रुपए लो, हमको जल्दी काम है, जाना हमको। ले तुम तो पैसा चला देना, जा तुम घूम के आओ, जाओ। तुम कह रही हो कि तुम जो है किताब लोगी, पढ़ाई करोगी, यानी कि स्कूल पढ़ने जाओगी, है यहाँ घर से निकल के वहाँ स्कूल जाओगी, है जाएंगे। अच्छा समझ गए, हम समझ गए, मतलब ये तुम कहना कह रही हो कि पढ़ाई लिखाई करोगी, घर से बाहर निकलोगी, है ऐसा नहीं चलेगा, हमारे यहाँ आज तक ऐसा नहीं हो पाया। अरे तुम बिटिया हो, तुम घर के काम देखो, हैं? घर के काम देखो, कल दूसरे घर जाना है शादी ब्याह करके कि नहीं। अरे पिताजी आज कल लड़कियाँ हर काम कर लेती, पढ़ाई भी कर लेती, घर के काम भी कर लेती और ऑफिस भी संभाल लेती, पर आप कहाँ हैं? तुम देखो हमसे जवान न लड़ा बिटिया, हैं? और तुम हमारी बात नहीं मान रही हो, तुम्हारे चाचा देखो कितनी दूर दूर घूम घूम के आते हैं, उनको सब पता है, उनको एक एक चीज की जानकारी है, तुम हमारी बात नहीं मान रही, अभी देखो चाचा आए तुम्हारे समझाएंगे। अरे 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 भानू भैया, अरे भानू भैया, अरे भानु भैया हो, आ गए भैया। देखो हमारी लड़की जिद्दी आ रही है, जबरदस्ती करी पढ़ाई करेगी, अच्छा बताओ पढ़ने के लिए बदला लड़की है, काम काज करे, दूसरे घर शादी करके जाना है इसको, हाँ क्या करेगी पढ़ के? क्या यार तुम्हारी बिटिया जो कह रही है कुछ गलत थोड़ी ना बोल रही है भैया, जैसे तुम जिंदगी भर दूसरे की मजदूरी गुलामी की हो वैसे तुम कहा जाते हो तुम्हारे बच्चे भी करें, क्या यार सोच है तुम्हारी? कहते हैं कि बिना पढ़े नर पशु कहे आत्म सम्मान कहीं ना पाए, और यही है कहते वेद कुरान सबसे बड़ा है शिक्षा ज्ञान, अगर शिक्षा नहीं है तो वो आदमी समझ लो पशु समान है, ठीक ना, इधर का ना उधर का। और तुम्हारी बिटिया जो कह रही बहुत अच्छा कह रही है, और तुम्हारा जैसा आदमी हम पहली बार देख रहे हैं जो लड़का और लड़की में भेदभाव कर रहा है, लड़के को हर चीज दे रहे हो, लड़की कुछ मांग रही है उसको दिखा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है ना? अगर नरक में भी जगह मिलेगी तो वहां से भी भगा दिए जाओगे भैया। नहीं आज तक लड़कियां क्या नहीं कर रही, पहले ये बताओ क्या नहीं कर रही लड़कियां, क्या कर रही हैं? अरे यार इसीलिए कहते टीवी देख लिया करो, पेपर पढ़ लिया करो, है लड़के चला रहे साइकिल तो लड़कियां चला रही मोटरसाइकिल, लड़के चला रहे ट्रेन तो लड़कियां उड़ा रहे प्लेन, और हमारे भारत देश की महिला प्रधानमंत्री सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी पता है? कौन थी? इंदिरा गांधी जी। और आज के समय में महिला राष्ट्रपति कौन है हमारे देश की पता है? हमका क्या पता? हाँ इसीलिए कह रहे थे थोड़ा पढ़ लिख जाते तो पता होता। अरे द्रौपदी मुर्मू जी है, समझ लो ना, प्रेजेंट टाइम में महिला है। हाँ और चांद पर जाने वाली हमारे देश की महिला थी, क्या नाम था पता हमका? कल्पना चावला। चांद के ऊपर? हाँ आजकल के जमाने में लड़कियां किसी से कम नहीं है, आजकल स्कूल में देखिए इतने मास्टर जी नहीं होंगे जितने मास्टर जी की होती हैं। अगर उनके भी पिताजी की सोच, उनके माताजी की सोच तुम्हारी जैसी होती तो क्या मास्टर नहीं बन पाती? तो इसीलिए भेदभाव ना करें, कहते हैं माता पिता का फर्ज बच्चा रहे निरक्षर कोई ना बच्चा, बेटा बेटी दोनों पढ़ाएं उज्जवल उनका भविष्य बनाएं। और कह गए यही महात्मा गांधी, पहले शिक्षा बाद में शादी।